अगर आप हार्टन एसिटी की तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप उसको ज्वाइन करें। और यहां पे आज मैं आपको बताने जा रहा हूं जो एसिटीसी का रिजल्ट रिगार्डिंग बात चल रही है, अभी मुझे एक बात आप मुझे जरूर बताइएगा, जिन स्टूडेंट का गुरुग्राम के अंदर एग्जाम था, गुरुगांव में जो एग्जाम दे के आए हैं, या ठीक है मुझे लग रहा है एग्जाम खत्म हो गए होंगे आज या कल में हो जाएंगे, नहीं हुए होंगे तो बाकी हो गए होंगे मेरे हिसाब से। अगर किसी स्टूडेंट का भी एग्जाम रहता है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। लेकिन मुझे आपसे एक बात पूछनी है, जो गुरुग्राम में आप एसीटीसी टेस्ट देके आए टाइपिंग का, वहां पर कीबोर्ड कौन सी कंपनी के थे, कोई स्टूडेंट मुझे बता सकता है? वो डेल के भी 216 थे या एसर के थे या एचसीएल के, और पूरे लैब में ताज़ा कीबोर्ड थे, कैसे थे? अगर आप मुझे ये बताएंगे तो मुझे बहुत मेहरबानी होगी आपकी, ताकि मैं दूसरे स्टूडेंट की हेल्प यहाँ पे हम कर सकते हैं, ताकि उनको बता सके ये कीबोर्ड है तो मैं ऐसे तैयारी करूँ। दूसरी बात, जो पंचकुला में देखे हैं वो भी यही बात बता दीजिए। और अब आपको मैं बता दूंगा आपके कितने नंबर है, आपको कितनी गलतियां लगता है करके आए हो, कितने वर्ड आपने टाइप किए हैं, कॉमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं आपको बता दूंगा आप पास हो सकते हो या नहीं। एसीटीसी रिगार्डिंग कुछ पूछना है मुझसे पूछ सकते हो। ऑनलाइन टेस्ट पास नहीं होता है तो एचकेसीएल कोर्स करवाती है, एचएससीआईटी का, वो आप कर सकते हो आपके नियर बाई से या कहीं से भी। अगर आपको इस बारे में नहीं पता कहां से करें तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम मेरा आईडी है, मुझे संपर्क कर सकते हैं, या स्क्रीन पर आप नंबर मेरा टेलीग्राम आईडी देख रहे हैं। पंचकुला वाले बताएं वहां पर कैसे कीबोर्ड आपको मिले हैं, और यहां पर गुरुग्राम में जो गए थे वो भी बताएं कैसे कीबोर्ड है, और आपका एग्जाम किस सेक्टर में हुआ है, हार्ट ऑन बाउंड के किस सेक्टर में हुआ है, और लैब वहां पे कैसी थी। जो स्टूडेंट मुझे साथ डायरेक्ट जानता है मुझे व्हाट्सएप पे बता सकता है या कमेंट बॉक्स में, ठीक है इतना बता दीजिए। और अब जो रिजल्ट आता है वो एग्जाम के खत्म होने के 15-20 दिन के अंदर आ जाता है, कई बार महीना भी लग जाता है, लेकिन ज्यादा चांस होते हैं 15-20 दिन के अंदर आने के। तो अब की बार हो सकता है रिजल्ट दो बार में आए, ऐसा हो सकता है, पंचकुला वालों का पहला आए, गुड़गांव वालों का बाद में आए, लेकिन फिलहाल देखते हैं क्या होता है। और ये आपको बता दूं आज 8 तारीख है, 15 तारीख के बाद पता चलेगा ये रिजल्ट कब आएगा। पंचकुला का आ सकता है 15 तक आएगा, तो अगर अलग आया तो गुड़गांव से तो पंचकुला 15 तारीख के आसपास रिजल्ट आने की संभावना बन जाती है, ठीक है। लेकिन फिलहाल इसका भी मैं कुछ नहीं कह सकता हूं, बस मुझे इतना बता दीजिए आपके कीबोर्ड वहां पे कैसे थे, ताजा थे, कौन सी कंपनी के थे। अब गुड़गांव में हो साथ में गुड़गांव के सर गुड़गांव में ऐसे कीबोर्ड थे, पंचकुला में हो सर पंचकुला में ऐसे कीबोर्ड थे, ये कमेंट बॉक्स में आप लिख दीजिए ताकि उन दूसरे स्टूडेंट को मैं बता सकूं। कुछ मन में सवाल है कमेंट कर सकते हैं एग्जाम के रिगार्डिंग, आपका एग्जाम नहीं पास हो रहा है, कोई टाइपिंग टिप्स लेना चाहते हैं, ऑनलाइन टिप्स लेना चाहते हैं, कमेंट करें, वीडियो को शेयर।